अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो भाईजान आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अमार भाई का व्लॉग। अमार भाई बिल्कुल हमारे साथ जा रहे हैं। कैसे अमार भाई, कहाँ हैं? हम नूरमहल में आए हैं। अच्छा, साथ हमारे अब्दुल्ला भाई भी हैं। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। चलें गाइस, फिर आपको अपडेट करते हैं। ओके, अब्दुल्ला भाई बड़ा खर्चा हो गया जी। देखें, ये नूर महल के पास हम पहुंच गए हैं। थोड़ा लेट हो गए थे, लाइट शो तो ख़त्म हो गया इधर, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। हम जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है अंदर। अंदर का विज़िट करते हैं, आपको भी करवाते हैं। नूर महल के बाहर आ गए हैं, इधर से बंदर जाते हैं। व्यू देख सकते हैं आप, कितना प्यारा बना है। एंटर हो चुके हैं हम, आप देख सकते हैं एंट्रेंस हो गई है। अब अंदर चलते हैं। क्या बात है, कुछ बताएं, आप भावलपुर के रहने वाले हैं, कुछ बताएं। देखें, ये है एक नूर महल, एक भावलपुर का एक बहुत ही आलीशान एक महल इसको कहा जाता है। ये नवाब साहब पंजुम, नवाब सर सादिक खान पंजुम जो थे, उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनाया था। चलिए, एक रात टिकी और चली गई। अमीर बंदों के अमीर चौचले, आइए दिखाते हैं आप। ये देख सकते हैं नवाब सादिक की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सारी फोटो इधर लगी हुई है। ये नूर महल के अंदर स्नोकर टेबल है, जहाँ पे कायदे आजम आते थे, रोज एक फ्रेम खेलते थे और जाते थे। ये देखिए बैठने की जगह, तमाशा ही होगी, अंदर ही अभी तक पड़ी होगी। तो गाइस, ये जो है ना नवाब साहब का बेड का एक फॉर्मेट कह लें, ये जो है ये लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में जो था ये सोना और चांदी का होता था। आप साहब के अपने शशके कैसे हैं अमार भाई? आपकी ज़िंदगी दी हैं? तो आपकी ज़िंदगी याशी है। याशी है, याशी भाई, याशी। ये देख लें आप, नीचे तय खाने भी बनाए हुए हैं नवाब साहब ने जी। ये देख सकते हैं, ये डाइनिंग टेबल बनाया हुआ है एक तरह का उन्होंने। ये अंडरग्राउंड है ये सारा कुछ। ये किचन टाइप, ये किचन है। ये देखें जी, इधर लिविंग रूम है, नवाब साहब की कनीज़ें इधर रहती थी। ये भी बनाए हुए अंदर। ये देखें जी, ये अब जेंट साइड है, इधर सिक्योरिटी गार्ड रूम है, देख सकते हैं। उसके अलावा अब इधर चलते हैं, शेफ रूम जैसे पहले थे वैसे पिक्चर्स भी उन्होंने वैसे बनाई हुई है इनके अंदर। उसके बाद इधर चलते हैं, इधर कौन बैठा है? ओ, लिविंग रूम है ये नवाब साहब का, ये सब अंडरग्राउंड बने हुए हैं कमरे। इसके बाद ये भाई बैठे हैं ड्रेसिंग रूम में। ठीक है जी, ये नवाब सादिक की बस है जिस पे वो हज पे गए थे। ये पुराने ज़माने की लैंड क्रूजर थी तब। इसके अलावा ये उनकी बग्गियाँ खड़ी हुई हैं, वो शाही बग्गी आगे खड़ी हुई है, इन पे वो घूमते होते थे। ये देख सकते हैं इंडस क्वीन,
ये भी पुराने ज़माने की है, इसके बारे में मुज़ैफ़ा साहब बताएंगे आपको। यार आप मेरे से इन्फॉर्मेशन लेने आ जाते हैं, मैं सच हूँ जी, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये जो इंडस्ट्रीन का आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये असल में भी एक शिप है जो ख्वाजा ग़ुलाम फरीद साहब को नवाब साहब ने एज ए गिफ्ट दी थी कि वो जहाँ उनका इलाका है तो वो दरिया के सहारे उनके पास आ सके। ये इसका आज भी एक स्ट्रक्चर जो है वो दरियाए सिंध के किसी किनारे पे मौजूद है और ये भी एक अच्छा अजूबा कह सकते हैं आप। क्या बात, ये देखें जी इंडस क्वीन के ऊपर खड़े हैं और नूर महल का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। वो लोग नीचे जा रहे हैं, हम भी चलते हैं नीचे जी। तो अब घूम फिर लिया हमने, नूर महल देख लिया है, इनकी स्टिक्स बन रही हैं, तो बस हम निकलते हैं अब नूर महल से। यार घूम फिर के घर आ गए थे, तो थोड़ा काम था तो घर आ गए फौरन। तो वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।